और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया हो गया। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले दो गेम प्ले, दो जॉर्ड लेवल गेम प्ले, जिनको देख के आप लोगों को बिल्कुल मजा सा आ जाएगा और बातचीत भी कर ली जाएगी कि कब तक आप लोगों को एस टीयर पे कॉन्करर मिल जाएगा। मतलब जस्ट आप लोग एस कर दोगे तो आप लोगों को कॉन्करर मिल जाएगा और उसके बाद डेली का कितना पॉइंट्स बढ़ेगा उस पर भी बातचीत करी जाएगी। तो बस वीडियो को एंड तक देखना और बाकी गेम प्ले तो जो ही नेक्स्ट लेवल होने वाले है ना, तुम्हारे भाई का फाइनली क्राउन भी जस्ट होने वाला है। हल्का फुल्का ही पॉइंट्स बाकी है। बाकी कल वीडियो की नहीं आई तो जितने बंदे अपने को इंस्टा पे फॉलो करते हो उन्हें पहले ही पता चल गया होगा ये मेरे फोन का माइक खराब हो गया था, अपनी आवाज ही नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो भैया मैं वीडियो कहां से एडिट करूं। खैर तुम्हारे भाई ने सही करवा लिया है तो आज आ रही है वीडियो एकदम बढ़िया से, है ना। अभी देखो बातचीत कर लीजिए अपने फर्स्ट गेम प्ले की। तो तुम्हारा भाई लैंड कर गया था इवेंट पे, अब काफी घंटों यहां पे बैठने के बाद आता है अपने ऊपर पहला पुश, क्योंकि कोई भी बंदा दिख ही नहीं रहा था। अभिन भैया जी को निपटाने के बाद अपना अच्छा खासा खाता वाता खुल गया था। और बाकी पिछले दो दिन तुम्हारे भाई के इतने ज्यादा घटिया गए हैं ना, मतलब भाई मजाक से हटके ज्यादा ना तो खेला ना ज्यादा प्लस करा है, इतना ज्यादा पीछे हो गया तुम्हारा भाई। लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर सिली थिंग। देखो एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए विद जिंदगी। अभिन भैया जी को निपटाने के बाद अपना आराम से रिकॉल विकॉल उठा लेते और उसके बाद एग्जिट भी मार देते, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया था यहाँ पे तुम्हारे भाई को किल्स ही नहीं मिले। इन भैया जी ने खूब M4 फूल चमकाई, यहाँ का पूरा एरिया खाली करा, तुम्हारे भाई ने एक नेट में चमका दिया एकदम आराम से। अब भाई मजाक से हटके मैंने सोचा कि ऊपर से कूद के एकदम आराम से डीबीएस चिपकाई जाएगी, एक तो हाथ में डीबीएस नहीं दूसरा ये पैराशूट खुल गया, अभी उसकी जगह बंदा होता एकदम आराम से धर लेता। अभी बॉट भाई साहब को निपटा के अपने अच्छे खासे 5 किल हो गए थे, हाँ बाकी के 2 भी बॉट ही मारे थे। अब देखो नीचे की साइड एक बंदा है, उस बंदे से फाइट देखो। अब देखो जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी बंदा पुश करता है ना तो फुल कॉन्फिडेंस से फाइट लिया करो। सोलो में जो बंदा कॉन्फिडेंस से फाइट लेगा ना एकदम आराम से वही बंदा फाइट निकाल लेगा। अभी ये बंदे को देखो जाके वहां पे कैंप डाल दिया, मेरे को आराम से दिख रहा हो गया काम 25। और बाकी ना कल से तुम्हारा भाई क्राउन टियर के गेम प्ले लाएगा। पता है 2 दिन से मेरी जिंदगी झंड चल रही है तो ये वाला गेम प्ले भी थोड़े पुराने हैं, तो हो सकता है इस वजह से बॉट वॉट ज्यादा आ रहे हो। बाकी देखो बातचीत कर लीजिए कि एस पे आप लोगों को कब तक कॉन्करर मिलेगा। तो तुम्हारा भाई हर सीजन ना सीजन स्टार्ट होने से पहले ही बता देता है कि एस पे आप लोगों को कॉन्करर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 दिन मिलेगा, और 5वें दिन भी हल्का फुल्का एक्स्ट्रा जाता है, 20-25 पॉइंट एक्स्ट्रा जाता है, आप लोग 10-15-20 मान लो यार। तो आज देखो आखिरी दिन है, अगर आप लोग आज एस कर लेते हो और एक्स्ट्रा 20-25 पॉइंट कर देते हो तो कल सुबह आप लोगों को कॉन्करर मिल जाएगा और फिर कल से डेली के डेली पॉइंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और डेली के डेली कितना पॉइंट्स बढ़ेगा, तो डेली का आप लोगों का लगभग बढ़ेगा 120 से 130 के आसपास प्लस। और चिंता मत करो ये सीजन के एंड तक नहीं बढ़ता है, 3-4 दिन बढ़ेगा 120-130 पे, धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ना भी कम होता जाएगा और सीजन के एंड में बढ़ता है मुश्किल से 10 पॉइंट के आसपास डेली का, तो एकदम आराम से कॉन्कर हो जाएगा। बस छोड़ना नहीं है आप लोगों को, जो भी दिक्कत परेशानी है कमेंट करके बता देना। और बाकी बहुत से बंदों से टॉप 10 नहीं हो रहा था, तो देखो ये नूब हरकतें नहीं करनी है, ऐसी नूब हरकतें अगर करोगे तो फिर ओपन में धर लिए जाओगे। अब तुम्हारे भाई को ओपन में एक बंदा स्पॉट हुआ तो वो ओपन में है, मैं क्यों ओपन में बिना मतलब के रुक रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई रुक गया, वो बंदा पीक ले रहा तो मैं चेक कर रहा था कि उसके पास स्नाइपर तो नहीं है, और हाँ उसके पास स्नाइपर ही थी। अभी खोपड़ा खोल दिया जाता है एकदम आराम से। अब तुम्हारे भाई को पता चल गया उसके पास स्नाइपर है, आज ही मेरा कद्दू दिखाया चेहरा है ना। अभी देखो तुम्हारा भाई कैसे निपटाने वाला है, और इस सारी चीज के लिए तो लाइक बनता है अपनी। आज की वीडियो का लाइक टारगेट रहने वाला है 1100 लाइक का, और बाकी कल तुम्हारे भाई ने वीडियो भी मिस कर दी थी, कोई बात नहीं अब से वीडियो मिस नहीं होगी। हाँ तो क्या बोलती कंपनी भाई, देख रहे हो क्या निपटा क्या है तुम्हारा भाई एकदम आराम से। अभी भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 10 किल हो गए थे, अभी देखो अभी और किल्स निकाले जाएंगे। लास्ट में चिकन देखना क्या बढ़िया निकाला तुम्हारे भाई ने। अब देखो जोन के अंदर एक लौता ये वाला शेक था और बाकी वो सॉफ्ट थी सेवरनी वाली, तो कोई बात नहीं अब तुम्हारा यहाँ पे आके आराम से होल्ड कर लेता। और थोड़ी देर के बाद मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है जो कि साइड में आके बस रुक गई, तो मैं चेक कर रहा था उतने में देखो ये भैया जी धीरे धीरे करके आके कहाँ पे लेट जाते, मतलब ऐसी नू भर के थे काहे। अब इन भैया जी को धरने के बाद अपने अच्छे खासे 11 किल हो गए, तो उसके बाद और बंदे ढूंढता और काफी घंटों के बाद अपने को यहाँ पर एक भैया जी स्पॉट होते हैं इस वाले शेक पे, तो अब इन भैया जी के साथ में फाइट देखो। और बाकी देखो तुम्हारा भाई डीबे चलाने क्यों छोड़ रहा था, इसीलिए छोड़ रहा था लेकिन छोड़ने ही नहीं दे रहे बंदे। अभिन भैया जी को एकदम इजी धर लिया था। अभिन भैया जी के बाद बसते लास्ट के 2 बंदे जिनके बीच में हो जाती है फाइट, उसके बाद बसता है एक लास्ट बंदा जिसके पास है व्हाइट मम्मी सूट, मतलब भाई वो मेरे हाथ में आ जाना तुम्हारा भाई जो कुत्ता बनाए लॉबी का। एक तो व्हाइट मम्मी सूट वाले से फाइट, ऊपर से बंदा काफी ज्यादा बढ़िया खेल रहा, देखो फाइट देखो।
अब भैया जी जस्ट 1 HP बचे तो, और मेरे से अभी तक ये कंट्रोल नहीं होता ढंग से। मेरी नूब हरकतों की वजह से मैं इतना ज्यादा डैमेज हो गया, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं करता क्योंकि भैया जी को भी जोन में अभी आना ही है। तुम्हारा भाई पहले जोन में आके बैठ जाता है। भैया जी से फाइट देखो, ये भाई साहब एकदम आराम से पुश करते हैं अपने ऊपर। बंदा खेला तो काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन अपने हाथ में डीबीएस थी तो काम 25 एकदम आराम से कर देते। अब इन भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छा खासा 13 किल चिकन हो गया था। अब तुम प्लस देखो बे। और हाँ, आज के दोनों गेम प्ले 2 या 3 दिन पुराने हैं, तो उस टाइम पे प्लेटिनम लॉबी ही कॉन्करर लॉबी थी। तो ये बकलोली ना करना कि भैया प्लेटिनम पे खेल रहे हो, क्राउन होने वाला है अभी अपना भी, है ना। गेम प्ले पुराना है लेकिन लॉबी तो उस टाइम पे कॉन्करर ही थी। अभी देखो बातचीत कर लीजिए अपने सेकंड गेम प्ले की। तो इस वाले मैच में लैंड करते हैं इवेंट पर, और सबसे पहले इवेंट की सारी फाइट देख लो। अभी देखो इवेंट पे अपने अच्छे खासे 4 किल हो गए थे। आप लोगों को भी इवेंट पे ऐसे ही होल्ड करके 4 किल एकदम आराम से निकालने। अब अपने 4 किल हो गए तो उसके बाद देखो 4 किल काफी है यार, ज्यादा किल की देखो इच्छा नहीं रखता तुम्हारा भाई, है ना। बंदा दिखा और भाई हक दिया। अब भाई 10 में से 9 बार तुम्हारे भाई ने यहाँ पर लैंड होते वक्त ना इतने बढ़िया बढ़िया बंदों को निपटाया जो यहाँ पे टहल रहे होते हैं। ये बैठा हुआ बंदा नहीं मारा गया मेरे पे, मेरे को लगा मर जाएगा वो 1 HP बच गया। उसके बाद मैंने फायर रोक दिया और वो भाई वो ले गया DP में। लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर सिली थिंग, भाई साहब गिर के मर गए, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अपने तो किल्स का नुकसान हो गया। अभी अपने अच्छे खासे 4 किल हो गए थे। अभी चलो धीरे धीरे करके लास्ट जोन की साइड को चलते हैं। बड़ा ही भयंकर ड्राइवर था यार, बाई चांस मेरी बग्गी ना खड़ी होती या मैं उतार ना पाता ये तो बोनट पे बिठा के ले जाता। अब इन भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 8 किल हो गए, तो उसके बाद निकलते देखो और बंदों की तलाश में। तुम्हारा आराम से जा रहा था कि एक बग्गी शांति जा रही थी, अब अपने रहते शांति जा थोड़ी सकती है। उतार दिया एकदम आराम से। अब इन भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 9 किल हो गए, तो उसके बाद जो ये दूर से बकलोली कर रहा ना तुम्हारा भाई, इससे भी फाइट लेने जाता, लेकिन ये शेल्टर वाले अंदर गुफा में घुस जाते, उसके बाद हिलते भी नहीं है, कुछ ना करते, तो भैया वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है, और बंदे ढूंढते हैं चल के। चलो अभी देखो थर्ड सर्कल बनने वाला था, तो तुम्हारा भाई यहाँ वाले कंपाउंड पे आके जोन की प्रिडिक्शन करने लग जाता है, क्योंकि अपने को चाहिए जोन का सेंटर, और हल्का फुल्का देखो ठीक ठाक ही बना था, जोन के अंदर है तुम्हारा भाई। लेकिन अभी अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर नहीं है, और निकलने से पहले देखो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखाई देता है। हाँ वो मैं क्या कह रहा था कि ना, सॉरी माई मिस्टेक, देखो 2 दिन पुराना गेम प्ले यार, इंसान भूल जाता हल्का फुल्का, है ना, कि बंदा दिखा था या नहीं दिखा था। बंदा तो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे आके जो तुम्हारे भाई ने गाड़ी पार्क करी है ना, अभी इस गाड़ी के चक्कर में देखो मेरे साथ क्या क्या सीन होने वाले हैं। अब देखो ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई है ना, कोई बात नहीं, चलो फंस गई है फंसी रहे, मेरे को तो बाहर जान दे। यू कांट एग्जिट व्हीकल हेयर, मतलब भाई यहाँ पे एग्जिट नहीं करवाएगा तो क्या कोचिंग की जाके करना पड़ेगा, कोचिंग की भी तो बगल में ही, यही करवा दे यार। अब देखो मेरे को कहीं ना ऐसा फील हो रहा था कि अब जो ये 9 किल कर रहे हैं ना, इन 9 किल की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने स्टैट्स में, है ना, क्योंकि भैया मेरे को लग नहीं रहा था अब अपने को अच्छा खासा प्लस मिलेगा, तो तुम्हारे सारे उठ पटांग काम करना चालू कर देता है। अब इस वाले नेट से बस मरते मरते बचाओ मैं। अब ये जो बस पूरा ठेला लाल हुआ है ना, उसके बाद सबसे पहले मैं एग्जिट करता हूँ कि भैया चलो एग्जिट हो गया फाइनली, अब इस बग्गी से दूर हो नहीं भैया ये मौत का कारण बन जाएगी मेरा एकदम आराम से। अब अपने आराम से फर्स्ट एड लगा के चलो सीधा लास्ट जोन में। लेकिन उससे पहले देखो एक भैया जी को चुल मच जाती है, मतलब ओपन में कोई बंदा ऐसे इन्हें भटकता हुआ दिख जाए तो पता नहीं क्या सोचते, नहीं मतलब भाई तुम निपटा लोगे एकदम आराम से, भैया हो सकता हो भरते हो भारत का खंड प्रो प्लेयर हो, अब वो एकदम तुम्हें पहले ही मौका ही ना दे, पहले उतार दे, है ना। मैं तो देखो भैया पहले ही कही थी ऐसे ऐसे ज्यादा चुलबाजी नहीं होनी चाहिए इंसान में, हालांकि मेरे अंदर है वो चलता है ना, मैं संभाल लेता हूँ, तुम संभाल नहीं पाते हो तो फिर चुलबाजी होनी नहीं चाहिए। एकदम आराम से इनको निपटा के अपने अच्छे खासे 10 किलो गए थे, बग्गी का जुगाड़ पानी भी हो गया था, और हमेशा की तरह जोन का सेंटर तुम्हारे भाई के लिए एकदम आराम से बिल्कुल खाली की। आइए पधारिए और बंदों को गाड़ी से उतारिए। अब ये भाई साहब काफी ज्यादा तेज चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने स्पॉट कर लिया और मुश्किल से 1 HP बचे होंगे। उसके बाद रोटेशन भी मेरे बगल से लेते हैं, तो इस बार देखो टैप टैप दिखाया था, अभी स्प्रे देख लो।
अभी देखो मैं बहुत इजी उतार देता, लेकिन बहुत सारे बंदों की गंदी नजर थी ना मेरे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई कार स्प्रे भी हिलते डुलते ले रहा है। जॉयस्टिक देखो जाके पीछे कितना ज्यादा हिला रहा था, क्योंकि भैया कोई धरना ले मेरे को, इस वजह से तुम्हारा भाई हिलते डुलते स्प्रे दे रहा था। उसमें भी तुम्हारे भाई ने मस्त 1 HP कर दिया था। देखा, इसी वजह से तुम्हारा भाई कार स्प्रे हिलते डुलते दे रहा था। और बाकी बहुत से बंदे अपनी सेंसी मांग रहे थे, तो देखो सेंसी वैसे अपनी इंस्टा पे अपलोड है, लेकिन अगर तुम्हें सेंसी कोड वीडियो में चाहिए तो अपनी आज की वीडियो का लाइक टारगेट जो 1100 लाइक का है वो तुम कल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देना, ताकि एडिट करने से पहले मैं दे दूं सेंसी कोड। देखो अपनी सिंपल से परंपरा है, अगर तुम मर्जी ट्वाइटी के बगल से निकलोगे तो एक आधी गोली तो खा के जाओगे, और वो हो सकता है ज्यादातर हेड ही हो, एकदम आराम से है ना, टकला खोल देता तुम्हारा भाई। और बाकी इस वाले मैच में तुम्हारे भाई के इतने सारे किल चोरी हुए ना, अभी इस वाले बंदे को भी मैं बहुत इजी निपटा देता, लेकिन दूर से किसी ने ग्रोजर से चमका दिया एकदम आराम से। अपने अच्छे खासे 11 किल थे, जो कि अच्छे तो थे लेकिन अच्छे लग नहीं रहे, तो चलो एक आधा और निकाल लिया जाए। अब इन भैया जी को धराई था, अपने जगह से 12 किल हो जाए, तो उसके बाद दूर एक बंदा स्पॉट होता और ये मुश्किल से 1 HP बचा होगा। अब भाई पूरे हरियाली कर दी वहां पे, लेकिन ये बंदा ठिलके ना दे रहा। अब इन भैया जी को भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, अपने अच्छे खासे 12 किल थे। नेक्स्ट सर्कल में रोटेशन लेनी थी, क्योंकि सर्कल तो शिफ्ट होता रहता है ना, सर्कल अपने ऊपर थोड़ी बनता है। इतनी ज्यादा बातचीत नहीं है अभी क्राफ्टन की मैडम से। अब देखो मेरे को यही लगा था कि कंपाउंड पे बंदा होगा, मैं उतर के एकदम आराम से फाइट निकाल लूंगा, और जैसे ही मैं लैंड करा मेरे को पीछे वाले का भी साउंड आ गया, वैसे मेरी फाइट के ऊपर से तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे फाइट निकाली, और उसके बाद भैया जी ने धर लिया पीछे से। और बाकी प्लस देखो बे 51 का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सर भाई को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।